नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास बचमपल भाटी कॉलेज की ओर से। बच्चों, कल मैंने आपको टेस्ट दिया था और मुझे उससे बहुत ही नाराज़गी है, एक निराशा है, क्योंकि मैंने सोचा था कम से कम मुझे 50% बच्चे तो टेस्ट को करके देंगे ही देंगे, और आपके पास आज तक का टाइम था टेस्ट करने का, बट आप लोगों ने टेस्ट को ढंग से सॉल्व नहीं किया है। बस मैं कुछ गिने चुने बच्चों को नाम लूँ, जैसे कि मेरे पास एक पहला बच्चा है जिसका नाम है, सॉरी, शीतल। एक बच्चा है शीतल नाम से। इसके अलावा दूसरा है इससे अलग ज्योति, ये ज्योति है, ज्योति का आया है। इसके अलावा कौशिंदर शर्मा, बॉयज में देखो पहला है कौशिंदर आया है, कौशिंदर शर्मा। और इसके अलावा एक बच्चा और है प्रियांशु सिंह, प्रियांशु। मतलब कुल मिला के चार बच्चों ने, पूरे हिंदी मीडियम के जो तो सेक्शन है आपके, चार बच्चों ने टेस्ट को सबमिट किया है। कितनी बड़ी निराशा है मुझे। तो बेटा, मैं एक्चुअली जो मानूंगा ना, ये चार बच्चों को ही देखो मैं प्रॉपर मानूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको, कि जो आपके क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है, उसके हाथ में आपके प्रैक्टिकल्स नंबर्स होते ही होते हैं। और 13 out of 13 हम देते हैं बच्चों को, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को देंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे और जिनका बिहेवियर अच्छा होगा। बिहेवियर से मतलब पूरा है कि वो क्लास में कैसे बैठते हैं, वो किस तरह से अपने ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और साथ ही साथ वो किस तरह से टीचर्स की बातों को मानते हैं। अभी आपका एक बिहेवियर ही माना जाएगा कि मैंने आपको टेस्ट दिया और आपने कितना सॉल्व किया उसको। ठीक है, आपको मैंने टेस्ट दिए हुए कम से कम 12 से 15 घंटे हो गए, और अभी तक सिर्फ चार बच्चों ने मुझे इस टेस्ट सबमिट किया है, किसी और ने नहीं किया। मैं इस क्लास के बताऊँगा बाद में क्लास में कि इन बच्चों के कितने नंबर आए हैं, ठीक ठीक ये बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले बेटा, अब कोई बच्चे ने क्लास से 20 मिनट नहीं ले तो उससे थोड़ा डाउट होगा टेस्ट करने में कि हम सिर्फ टेस्ट क्या सबमिट करें, कि हमें तो पता ही नहीं प्रॉपरली ढंग से। तो मैं आज आपको इस टेस्ट का आंसर देने वाला हूँ, जो कि आप लोग ढंग से करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहले हम क्वेश्चन करेंगे और बाद में जो बच्चे हैं इनकी हमको मार्किंग करेंगे कि कई बच्चों ने कितना। इनके लिए मैं बहुत क्लैपिंग करता हूँ तरीके से कि इन बच्चों ने टेस्ट सबमिट कराया, एटलीस्ट चाहे उन्होंने नंबर कम आए या ज़्यादा आए वो एक मैटर नहीं करता, बट टेस्ट सबमिट करना बहुत बड़ी बात है। तो टेस्ट सबमिट किया है इन्होंने, वेरी गुड, वेल डन। आज अब सॉल्व करते हैं आंसर की को। पहला क्वेश्चन था आपका भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है, और इसका बेटा आपके जो क्वेश्चन इसके ऑप्शंस थे वो थे आपके द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है, द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या अगुणित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा, आपको पता है कि भ्रूण पोष एक आवृत बीजी पौधों की खास एक प्रोसेस है, विशेष लक्षण होता है। क्या? कि आवृत बीज पौधों में द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन होता है। याद आ रहा है कुछ? द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन क्रिया एक खास पहचान होती है आवृत बीजी पौधों की। तो भ्रूणपोष जो होता है भैया, त्रिसलन के बाद में बनता है। आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे तीन आपकी कोशिकाएं थी, मुख्य अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक, और ये ऊपर आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं, तीनों। ध्यान आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे जो दूसरे नरक में आग मिलता है आपका ध्रुवीय केंद्रक से, तो यहाँ पे होता है त्रिसलन, और यही बनता है आपका भ्रूणपोष। ये रचना बड़ी होकर क्या बनती है? भ्रूणपोष। और यह कैसी होती है? थ्रीएन होती है। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि निषेचन के पश्चात बीजांड का प्राय समाप्त हो जाता है, पता है सभी को, परंतु कभी कभी पतली रूप परत के रूप में बच जाता है, इसे क्या कहते हैं? मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि भैया निषेचित बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। जो बीजांड का है, जो बीजांड है या बीजांड का, इससे क्या बनेगा निषेचन के बाद में? भैया बीज बनेगा। लेकिन कभी कभी देखा है कि यह कभी कभी पतली परत के रूप में लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं? मैं पीछे साफ लाइन में लिखा हुआ, इसे परिभ्रूण पोष कहते हैं। भ्रूण पोष तो है ही, परिमाने उसके चारों ओर लगा हुआ, परिधि पे लगा हुई कोई चीज़। तो ये तो कह रहा है, वो ये तो बात समझना चाह रहा है कि कभी कभी पतली परत के रूप में, परत में चारों ओर होगी तो परिमाने परिधि के पर लगी कोई चीज़ है, तो भ्रूण पोष पर जो परिधि पे लगी रहे उसे क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर ए ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें बेटा,
तो निषेचन के बाद बीजांड के अंत आवरण से क्या बनता है? देखो वही, जब बीजांड में अगर निषेचन हुआ तो क्या बनेगा बेटा, बीज बनता है, ये तो पता ही है आपको। और बीज के दो आवरण होते हैं, मैंने बताया था कि एक बाहरी और एक अंत है। सिंपल सी बात, जो अंत आवरण, बीजांड का जो अंत आवरण और बाह्य आवरण दो हो गए, तो बाह्य आवरण से क्या बनेगा बेटा, बाह्य चोल, टैग में बोलते हैं इसको, और अंत आवरण से बनेगा अंतःचोल। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बाह्य आवरण से बाह्य चोल, अंत आवरण से अंतःचोल, कहानी खत्म। तो इसमें पूछ रहा अंत आवरण से बनता है क्या, अंत आवरण से क्या बनेगा, अंतःचोल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार की बात करें, द्विगुणित बीजाणुता में सभी कोशिकाएँ कैसी होती हैं? द्विगुणित बीजाणुता में सभी कोशिकाएँ कैसी होती हैं बेटा? सभी बेटा द्विगुणित ही होती हैं, द्विगुणित। अब तुमको सर ये आपने प्रॉपरली पढ़ा कि बट इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बट फिर भी मैं आपको कोई दिक्कत नहीं पढ़ा सकते हैं। ये जो द्विगुणित बीजाणुता है, ये किसका टॉपिक है, ये आपके मैंने पढ़ा था आपको टॉपिक पीछे, असंग जनन, असंग जनन। इसमें क्या था कि जब कभी कभी पौधों के जो लैंगिक जनन होता है ना, उसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन, ना तो देखो अर्धसूत्री विभाजन होता है, सॉरी यहाँ देख लिया, ना तो इसमें होता भैया अर्धसूत्री विभाजन है ना, और ना ही इसमें क्या होगा, ना ही कोई निषेचन वगैरह होगा, ना ही तो विभाजन होगा, ना ही कोई संलयन होगा, और ना ही कोई निषेचन होगा। फिर भी बिना इसके क्या होता है, एक नया पौधा, नए पादप निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हमने कहा था असंग जनन। इसकी खोज की थी विंकलर ने, ये तो पढ़ाया आपने, विंकलर ने खोज की थी। इसी का एक प्रकार है द्विगुणित बीजाणुता, जिसकी क्वेश्चन में आया है। इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मली प्रजनन होता है ना, उसमें क्या होगा भैया, जो गुरु बीजाणु मातृ कोश का, उसे भ्रूण कोश बन जाता है, पर इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो आपकी, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, प्रक्रिया पढ़ी थी आपने पीछे यार, आपने को ध्यान कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ माने मदर, मातृ कोशिका में क्या होगा भैया, होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री होगा, फिर इसमें क्या होगी, अगुणित, अगुणित मादा या नर कोशिका बनेगी, गुरु बीजाणु मादा बनेगी, मादा कोशिका बनेगी। ये एक नॉर्मल सिनेरिया है आपका, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भैया गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से सीधा आपका मादा कोशिका बन जाती है, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ये तो पढ़ रहे हैं कि इस असंग जनन प्रक्रिया में बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही बनते हैं चीज़ें। तो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो यह कोशिका द्विगुणित थी, तो इससे बनने वाली जो मादा कोशिका वह भी द्विगुणित हो जाएगी। तो ना तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ना ही तो ये कैसी रही, द्विगुणित रही। और जब अंड कोशिका भैया द्विगुणित पहले से ही है, तो इसमें जो बाहर से निर्गमक आएगा वो इससे संलयित नहीं हो पाएगा, क्योंकि संलयित नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से द्विगुणित है, वो त्रिगुणित नहीं हो सकती है अंड कोशिका, तो यह ऐसे संलयित नहीं होगा। तो बिना संलयन के ही जो द्विगुणित जो मातृ कोशिका है, पहले से अंड कोशिका है, यह भैया अंड कोशिका विकसित होकर क्या बनाती है, भ्रूण बना लेती है, भ्रूण बना लेगी, ठीक है। और यह क्रिया कहलाती है आपकी द्विगुणित बीजाणुता। समझे मेरी बात को? देखो नॉर्मल क्रिया में, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा ध्यान से, नॉर्मल क्रिया में क्या होता है, मुख्य अंड कोशिका नीचे होती है, यह अगुणित होती है, हैं, और बाहर से एक निर्गमक आता है, वह अगुणित होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं द्विगुणित कोशिका। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से सीधी बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ये तो पढ़ा हमने असंग जनन में, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, इस प्रोसेस के अंदर बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही एक अंड कोशिका तैयार हो जाती है, जो कि द्विगुणित रहेगी। तो इसमें फिर जो बाहर से युग्मक आएगा, उसका निषेचन या संलयन नहीं होगा, तो और इसी से आपका भ्रूण या नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो इसकी यह क्रिया कहलाती है आपकी द्विगुणित बीजाणुता। तो यही आपने, यही पूछा जा रहा था पीछे कि इसमें क्या पूछा कि द्विगुणित बीजाणुता वाली प्रोसेस में, या इसमें जो कोशिका होती है कैसे, वो द्विगुणित होती हैं सारी की सारी, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये किसका अंग है, ये है असंग जनन का, और असंग जनन में ना तो कोई संलयन होता है, ना अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना निषेचन होता है, इसलिए सभी क्रिया, सभी कोशिका कैसे होती है, द्विगुणित पहले से ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था आपका, वो कैसा था कि जनन में भाग लेने वाले युग्मक जो होते हैं, वो अगर संरचना में अलग अलग हों, भिन्न हों, तो वे कैसी प्रक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन था भैया कि जो युग्मक हैं आपके,
वो संरचना संरचनात्मक रूप से अलग अलग हों, भिन्न हो तो इसको क्या कहेंगे हमें, कहेंगे विषम युग्मकी। विषम युग्मकी कहेंगे नहीं कहेंगे, विषम युग्मकी कह दो, युग्मक कह दो। देखो नॉर्मली क्या होता है, देखो हमारी बात करते हो मेल का जो युग्मक होता है, अगर आदमी की बात करें तो भैया वो शुक्राणु होता है, कुछ ऐसा होता है, और जो मादा होता है वो गोल होता है। तो ये दोनों कैसे हैं, विषम युग्मकी हैं, नहीं है, ठीक है। तो वही कि जिनकी संरचना अलग अलग हो उनको हमने कहते हैं विषम युग्मकी कहा जाता है, जिनकी संरचना अलग अलग हो। कहानी ख़त्म, आपको इतना याद रखना है। अगर दोनों की संरचना सेम सी है, दोनों देखने में ऊपर से एक जैसे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, विषम युग्मकी कहेंगे। इसमें जो और देखो जो दे रखे थे आपके ऑप्शंस की अपयुग्मन क्या है, वो देखो अलग ही चीज़ हो गई है, एक टॉपिक उसका अलग था। ऐसे त्रिसमीकरण क्या है वो आपको पता है पूरा क्या है, त्रिसमीकरण कौन सा था, जो ध्रुवीय केंद्रक मिलता है आपके नर युग्मक से, वहाँ पर त्रिसमीकरण होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, कि पौधों में परागण निषेचन के बिना फल का निर्माण क्या कहलाता है। भैया मैंने पता कि पौधों में ना तो परागण क्रिया हो रही है और ना ही निषेचन हो रहा है, तो और इसके बिना भी फल बन के तैयार हो रहा, तो इसे इस फल को क्या कहेंगे हम, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन। कोई दिक्कत किसी को, ये तो बताया था मैंने पिछले टॉपिक में, अनिषेक फलन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। वही बात कही है कि जो अंडाशय में उसमें निषेचन नहीं हुआ और उससे क्या बन गया, फल बन गया। तो वही बात कि ये प्रक्रिया क्या है भैया, अनिषेक फलन कहलाएगी। इसका ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि प्याज में किस प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। भैया प्याज में बहुभ्रूणता होती है, बहुभ्रूणता क्या है पता है, जब एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाएं किसी बीजांड के अंदर तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं, ये तो ध्यान आ रही है। तो प्याज में किस प्रकार की बहुभ्रूणता है, जैसे बोलेंगे भैया मिश्रित। मिश्रित क्यों कहेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं मिश्रित क्या क्या कहना चाह रहा है मिश्रित। देखो बहुभ्रूणता एक तो होती है सरल बहुभ्रूणता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी समझ लीजिए, आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको। सरल का मतलब क्या है कि जब कोई बीजांड है उसके अंदर एक से ज़्यादा भ्रूणपोष बन जाए, ठीक है, अगर एक से अधिक भ्रूणपोष बन गए तो वह सरल बहुभ्रूणता हो गई। नंबर दूसरी, अगर कोई नॉर्मल बीजांड है और उसके अंदर एक से अधिक पराग नलिकाएं प्रवेश कर जाएं, जब एक से अधिक पराग नलिकाएं प्रवेश कर जाएंगी तो जो पराग नलिकाओं में जो ऊपर से आए हुए नर युग्मक हैं वो आपके सहायक कोशिका के साथ मिलके संलयन कर सकते हैं या आपकी प्रतिमुखी कोशिकाओं से मिलके संलयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता, और यह प्याज में पाई जाती है। देखो नॉर्मली क्या होता है, आपको बीजांड होता है, यहाँ पे मुख्य अंड कोशिका, ये सहायक कोशिकाएं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक, ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक पराग नलिका बनती है और वो आपकी एक युग्मक मिलेगा आपके अंड कोशिका से और दूसरा मिलता है आपको ध्रुवीय केंद्रक, ये आपका नॉर्मल सिनेरियो हो गया। बट बेटा सेकंड केस में क्या होगा, अगर पराग नलिका एक से ज़्यादा आ जाए, मान लो दो पराग नलिका आ गई, तो दो पराग नलिका क्या लेकर आएंगे, अपने साथ दो परागकण लेके आएंगे और उनके दोनों युग्मक किसी ना किसी आके मिलेंगे, तो एक के तो मिल गए आपके नॉर्मल से मिलते हैं और जो दूसरे के जो आएंगे बेटा वो या तो आपकी सहायक कोशिका से मिलकर संलयन कराएंगे या आपकी फिर जो प्रतिमुखी कोशिका इससे आगे संलयन करेंगे। तो इस प्रकार की जो ये बहुभ्रूणता बन जाएगी इसके कहेंगे भैया मिश्रित बहुभ्रूणता, और यह प्याज में पाई जाती है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन कौन सा था, किसी बहुभ्रूणता की स्थिति में युग्मक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, किस बहुभ्रूणता में। हाँ अब इसका देखो अगला क्वेश्चन इसी से बन रहा है, दो प्रकार की होगी बहुभ्रूणता, यहाँ पे सरल बहुभ्रूणता हो गई कि जिसमें भ्रूणपोष एक से ज़्यादा हो तो भैया उतने तो बनने हैं ही हैं, दूसरे में पराग नलिका ज़्यादा बन जाएंगे तो वो किसी और से कोशिका से मिलकर संलयन करेंगे, और नंबर 3 की जो है वो है आपकी विदलन यहाँ आप लिख लो बेटा। इसमें तीसरा प्रकार कौन सा बहुभ्रूणता का, ये बहुभ्रूणता के प्रकार चल रहे हैं, विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं, मेरा राइटिंग ऐसी आ रही जल्दी में समझ जाना बस, विदलन बहुभ्रूणता। तो इसमें क्या होता है कि जो युग्मनज है वो उसमें विदलन हो जाए, विदलन माने उसमें विभाजन हो जाएगा। देखो सिंपल सा ये हमने बनाया, एक मुख्य अंड कोशिका, ये दोनों सहायक कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिकाएं, पराग नलिका ऊपर से आई, एक केंद्रक इससे आके मिला, यहाँ बना युग्मनज, क्या बनेगा युग्मनज। अब युग्मनज में क्या हो गया, विदलन हो गया तो ये दो भागों में बट गया भैया, तो इससे क्या हो गया, ये दो युग्मनज बन गए। अब ये दो बन गए तो इससे क्या होगा, इससे भ्रूण बनेगा और इस वाले भाग से भ्रूण बनेगा, और इसे इसे आप क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भैया विदलन,
तो इसका आंसर क्या है कि किस बहुभ्रूणता की स्थिति में युग्मनक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है? भैया तो विदलन बहुभ्रूणता की स्थिति में जो युग्मनज होता है दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा इसके प्रत्येक भाग एक नया भ्रूण बनाता है। इसका उदाहरण क्या है भैया? निम्फिया, निम्फिया इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब लगे हाथों देखो, आपने तीन भाव प्रकार तो पढ़ लिए हैं अपने बहुभ्रूणता वाले, सरल पढ़ लिया, मिश्रित पढ़ लिया, मिश्रित बहुभ्रूणता प्याज वाला पढ़ लिया जब दो प्रणालिका आती हैं, और तीसरा पढ़ लिया विदलन वाला पढ़ लिया। इसमें लगे हाथ एक और बच गया आपका, इसका नाम है बेटा अपस्थानिक बहुभ्रूणता। इसका बेटा क्वेश्चन नहीं पूछा पर फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं, लिखने संग संग पूरा हो जाएगा कि जब भ्रूण जो होता है बीजांड का या अध्यावरण की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है तो इसे बोलते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। देखो ये तो बीजांड का है, इसमें अध्यावरण कोशिकाएं हैं, अगर भ्रूण इन किसी कोशिकाओं से डेवलप हो रहा है भ्रूण पोष से अलग तो इसे बोलते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। मैं बता रहा हूँ पर जब भ्रूण बीजांड का या अध्यावरण की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है तो यह क्रिया अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है बहु, ठीक है, भ्रूणता कहलाती है। उदाहरण आपका नींबू संतरा, ठीक है, नींबू संतरा इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, तो ये आपके बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल सीधे यहाँ पर पूरे साथ के साथ हमारे हो गए इस क्वेश्चन के साथ साथ ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो दसवां क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको कि परागकण के भ्रूण पोष प्रभाव को क्या कहते हैं भैया? जीनिया। मैंने कहा था आपको परागकण का सीधा प्रभाव अगर भ्रूण पोष पर हो रहा है, भ्रूण पोष पर, तो यह क्या कहलाएगा आपका? जीनिया कहलाएगा। और वहीं पर अगर परागकण का प्रभाव किस पर हो रहा है? बीजावरण पर, बीजावरण पर हो रहा है या फल भित्ति पर हो रहा है, तो इसे कहेंगे भैया मेटाजीनिया। समझे मेरी बात को? अगर केवल भ्रूण पोष पर हो रहा है तो जीनिया, और परागकण प्रभाव फल भित्ति पर या बीजावरण पर, बीजावरण पर हो रहा है तो इसे कहेंगे मेटाजीनिया। तो इसलिए आपका दसवें का पहला ए सी है और ग्यारहवें का सी मेटाजीनिया, ठीक है। तो बेटा एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, मतलब आंसर मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके से है। अब जो बच्चों ने दिया है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम प्रिया सागर, प्रिया सागर सॉरी माफ करना, ये दो बच्चे हैं ऐसा देख, साथ में प्रिया सागर और शीतल। अच्छा 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 ठीक है, ये प्रिया सागर और शीतल दो बच्चे साथ में लग रहे हैं, एक ही फोन से कर रहे हैं काम, सब घर में एक में ही है, तो शीतल प्लस प्रिया सागर, ठीक है, इन दोनों बच्चों की बात हो रही है। तो इन दोनों का मतलब आंसर सेम है आपका, ये भी ठीक है, परिभ्रूण संत्यकवच, अंत्यकवच हो गया, और ये बेटा चौथा क्वेश्चन आपका गलत है, प्रिया और शीतल दोनों का, ये किसका, ये शीतल का है, चौथा गलत है, त्रिशम एकन सरल, आठवें का सरल नहीं, ये क्या लिखा है आपने बेटा, मिश्रित है बेटा इसमें, आठवां गलत है आपका, नौवां भी गलत है आपका, ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके गलत हैं शीतल, और मुझे लग रहा है वही कंडीशन, हाँ वही कंडीशन इसकी है, क्या नाम बेटे का, प्रिया सागर, ठीक है, ये क्या किया इन्होंने, ट्वेल्थ ए, ओके ट्वेल्थ ए, शीतल है, ठीक है, प्रिया सागर ने शीतल का नाम काटा है और फिर अपना नाम डाल के उस पर भेज दिया, सेम टू सेम वही कंडीशन है। बट ऐसा नहीं करना, खुद अपने आर्ट से करना है, किसी का देखना नहीं है, यहाँ कोई तुम्हें चेक करने नहीं आ रहा है कि तुमने ठीक करा नहीं करा है। देखो ये मेरे मोबाइल को देख पा रहे हैं, तो ये ऊपर वाला शीतल का है, ऊपर इसका नाम आ रहा है, और उसने यही कट करके प्रिया ने अपना नाम लिख के वहाँ पर वही मुझे रीसेंड कर दिया है, ऐसा मत करो बेटा। इसके बाद में ज्योति की बात करें तो ज्योति का बेटा पिक्चर थोड़ी ब्लर आ रही है, सही नहीं खींचा है, त्रिकोण थे शायद पहले, ठीक है, बीचोल या एरियल, क्या लिखा आपने, ये गलत है बेटा आपका। और क्वेश्चन नंबर तीन का अंत्यकवच, चलो ठीक है, और इसमें संयुग्मी, संयुग्मी नहीं, संयुग्मन तो होगा होगा, लेकिन ये विषमयुग्मी है ना दोनों। इसमें क्या पूछा गया बेटा कि जब दोनों भिन्न हो तो कैसे उन्हें विषमयुग्मी होंगे, इसे क्वेश्चन था अगला, सॉरी बेटा आपका क्लियर नहीं है, क्या नाम है आपका,
आपका नाम है ज्योति। ज्योति का बेटा पिक्चर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो आंसर दिया आप उनको खुद अपना पर चेक कर लीजिए किस तरीके से आ रहे हैं। बात करूँ क्वेश्चन दर शर्मा की, बेटा आप भी चेक कर लेंगे, मुझे ज़रा टाइम नहीं है, थोड़ा आज मैं बिजी हूँ, तो लेकिन मैं अगली बार आपका टेस्ट ढंग से लूँगा, ये समझ में नहीं आएगा कि ये नहीं कि खामा खा अपने उल्टे सीधे भेज दो ऐसे ही। ठीक है, वीडियो बेटा बहुत लंबी होगी, पता नहीं अपलोड हो पाएगी या नहीं भी, तो आप तुरंत बेटा मेरी इस पूरे को देखो और समझो ढंग से और आंसर्स को चेक करके अपना असेसमेंट खुद करो। थैंक यू।